गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बिहार बोर्ड का क्लास टेंथ का संस्कृत पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, तृतीय पाठा। तो इस तृतीय पाठा में आलस कथा, अयम पाठा विद्यापति कृत्य से कथा ग्रंथ से पुरुष परिचेतनांत अस विशेषम वर्तते कह रहा कि इस पाठ में विद्यापति, ये जो पाठ लिखे हैं विद्यापति का एक ग्रंथ है, पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है जिनका लेखक विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है जिसका लेखक विद्यापति हैं, उसके अंश से विशेष थोड़ा लिया गया उसका और बताया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा है, कथे रूपेण विभिन्नम मानव गुणम महत्वम वर्ण्यते, मतलब सरल संस्कृत भाषा में, आसान सा भाषा में, सरल भाषा में कथा को रूपेण किया गया है, वर्णित किया गया है विभिन्न अनेक प्रकार के मानव गुणों के बारे में, महत्व को वर्णन किया गया है। दोष नाम च निरानकान्य शिक्षम दाती, इसका दोष का निराकरण किया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि अस्ति, विद्यापति मैथिली कवि थे लोकप्रिय, ये मिथिला के कवि थे विद्यापति। आपी च वहनम संस्कृत ग्रंथ स निर्माते पैम विद्यापति स्मिते इति, और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में इनका निर्माण है विद्यापति का। इति तस्य विशेषता, तो इसमें विशेषता है संस्कृत विषयसम प्रभुता अस्ति, संस्कृत विषय के प्रभुत है। प्रस्तुत पाठे आलस नामक से दोष निरूपेण व्यंगात्मक कथा प्रस्तुत विद्यते, तो इस पाठ में आलस होती है उसके दोष के निरूपण को एक व्यंगात्मक कथा के रूप में, इससे एक प्रश्न आएगा देखिएगा, तो व्यंगात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस से रिपु रूपम प्रणति, नीतिकार में कहा गया आलस से रिपु एक शत्रु के रूप जैसा माना जाता है, आलस एक शत्रु के समान होता है, रिपु मने शत्रु, तो आलस रिपु रूपम मनते, ठीक है, आलस एक शत्रु के समान है। आगे सुनिए, अस्ति मिथिलायम बिरेश्वर नाम मंत्री, अस्ति मने था मिथिला का एक बिरेश्वर नाम का एक मंत्री थे, मंत्री का नाम था बिरेश्वर। साचा स्वभाव दानशीला कनुक्षम स्वभाव दुर्गवा निश्चितम प्रतिष्ठनम भोजनम दयापयति, वह स्वभाववाद थे, स्वभाव से दानशील थे, करना समय दयावान थे, सर्व थे, दुर्गेत्य भवते मुझे प्रत्येक को भोजन कराते थे, दप्यति मैंने देते थे, प्रत्येक को भोजन देते थे। तन्य मादलाश्वन प्रवेशतम दप्यति, तब वो जो आलस था सभी को भोजन के साथ साथ वस्त्र भी देते थे, यथा मैंने कहा गया। तो श्लोक है, निर्गतनम चा सर्वलेशम प्रथमतः किंचित क्षमित कर्तुं जाठने रूपेण वहनम, निर्गताम चा सर्वलेशम प्रथमतः किंचित क्षमित कर्तुं जाठने वहनम, इसका अर्थ होता है कि सारे आलसियों एवं संकष्टग्रस्त का मुख्य सिद्धांत है भूखे रहना, मतलब जितना भी है सारे आलसियों और संकटग्रस्त का मुख्य सिद्धांत है भूखे रहना, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना नहीं, मतलब आलस लोग भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी तरह का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। ततो आश्लम पुरुषम तत्रेशम श्रोतम भविष्य पुनर् बह वस्तु पदमित जन्म स्थिर वर्तलुभ भुवे यथा, तब तत्रेशम मतलब सुना गया है, बहुत से वस्तु दान हो रहे हैं, मतलब भोजन फ्री में मिला, इस तरह का सुना गया, तब एक श्लोक है, स्थिति सौक्रे मुला ही हम सर्वेश्वापम सहितम साजितम सुखम दृष्टवाम के ना धवंती संतवा, कह रहा है कि सार ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे फिर में भोजन और वस्त्र मिला जा रहा था, तो कौन है सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे सुखों का मूल संगठन कौन ऐसा जीव है जो अपने सा जाति मैंने अपने जी जाति जाति मैंने यहाँ यह जाति नहीं, जैसे आलस का जाति, मूर्खों का जाति, यह अपनी जाति को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, मतलब कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देकर नहीं दौड़ता है, अपने जाति मतलब सभी लोग आलस थे, तो आलस होने के कारण आलसपन था, तो आलस को देखकर कौन ऐसा जाति नहीं दौड़ेगा,
मतलब वहाँ भोजन फ्री मिल रहा था, खाना मिल रहा था, सॉरी भोजन खाना एक ही होता है, भोजन मिल रहा था, वस्त्र मिल रहा था। तो अपने जैसे धूर्त लोग भी, चालाक लोग भी आलस के अपना जात बना लिए कि हम भी आलस है, और इस तरह से उसके संगठन में चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं। पचास दर्शन सुखम दृष्टम धूर्तम अपि कितरम मलास दर्शनति भोजन ग्रंथि। उस पश्चात जो सुख देकर दुष्ट मतलब धूर्त लोग, धूर्त मतलब बनावटी लोग भी कृत्रिम दर्शते भोजन करने उनके घर चले जाते थे। बृहेश्वर तंत्रमालाश्यम बहु बहु दृष्टम दृष्टम तनि योग्य पुरुषम परमिष्टम यचा वेद्यम करुणसम केवलस्म सव्यामी वस्तुअनि दप्यति कपेट लसम अपि ग्रहंती इतस्माक परमाधा। कहने के मतलब है कि तो उस तदान वस्वशाल में बहुत सारे मतलब बहुत लोग है, तन योग्य पुरुषी परमिष्टम, तब योग पुरुष बोले यक्षम बुद्धिम करना, कि उनकी करना के कारण स्वयं वस्तु देते थे। कपट लोग भी उस घर में, घर के मतलब जहाँ पर आलस लोग को भोजन दिया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, वहाँ आराम से आलस लोग भी प्रमाद मतलब ऐसो आराम से रह रहे थे जो कपट धूर्त लोग थे, जहाँ पर आलस लोग को भोजन और कपड़े दिए जाते थे। यदि भवति तदर्शम पुरुषम परिच्छम कुर्म इति परमेशम पशु आलसम तग तन तन योग्य पुरुषम बहनम दप्यात नृपेशम। तो कहा गया कि यदि तदाल पुरुषम, कहने के मतलब हुआ कि तदाल पुरुषम तो तदाल सॉरी तो कहने के मतलब परीक्षम कुर्मीति परमेश्वरम, तो परीक्षा लिया गया। लोग बोले कि संख्या आलस का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा संख्याएं हो रही थी आलस का, मतलब धूर्त लोग भी आ गए, मतलब अब भोजन ज़्यादा देना पड़ रहा था, कपड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा था। लोग कौन चाहता है कि काम करे जब फ्री का भोजन मिले, मुफ्त का भोजन आराम से कपड़ा। वैसे लोग को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मकान रहने के लिए मिल रहा था, रोटी मिल ही रहा था, कपड़ा मिल रहा था। तो कुछ लोग कपटी लोग धूर्त बनवन के आलस बनवन के आ रहे थे। तो कुछ योग पुरुष बोले कि इन लोग का परीक्षा लिया जाए, एग्जाम लिया जाए। परीक्षा कुर्म इति परमेश्वरम प्रवृत्त स्वम आलसनम तन योग पुरुषम बहनम दपति निरुपयश्य। तो बोले कि इन लोग को परीक्षा लिया जाए आलस लोग का। तो परीक्षा लेने में क्या होता है जरा सुनिए, बहुत मज़ेदार है। ततो गृह लग्नम प्रविधि मग्नम दुष्टम धूर्ता सार प्रलयति। जैसे ही घर में गृह लग्नम मतलब घर में आग लगा, दुष्ट दृष्टम धूर्ता देखकर, दृष्टम ने देखकर, दृष्टम ने देखना होता है, दृश्यति दृश्यता दृश्यंती, तो दृष्टम ने देखकर धूर्त लोग सप्लायत हो गए, भाग गए। पची दीपसम अपि प्रलयत, और जो भी कुछ थे वो भी भाग गए। चतवारा पुरुषस्तत्रम सुप्तता, चार पुरुष जैसे सुस्त रूप से मतलब आलस रूप से एकदम आलसी रूप से परस्पर मतलब लेटे हुए थे एक दूसरे के बगल में। एक बोलते हैं एकेन वस्त्र बीतम मुख नक्तम, एक मुँह मतलब आदमी कैसे ढके हुए रहता है सिर ठंडे के मौसम में, पूरा सिर ढके हुए सोता है, तो बस हल्का सा कपड़ा निकालता है सिर से और गले तक ला के रखता है, बोलता है क्या अहोम कथियाम कुलहाल, अरे हल्ला कुलहाल किस चीज़ का हो रहा है, हल्ला किस चीज़ का हो रहा है। द्वितीनोक्तम दूसरा बोलता है तक दृष्टम गिरा आग लगना मस्ती, मतलब यहाँ घर में आग लग गया है। तो तीसरा क्या कहता है तीनोक्तम कोपी तह धर्म को नास्ती। तो बोला देखिए तीसरा का दूसरा कहता कि आग लग गया है, तीसरा क्या कहता है क्योंकि धार्मिक व्यक्ति नहीं है दयावान व्यक्ति। कोई यह दानी जलवदेशम कपटसम प्रवृत्ति, कोई धार्मिक और अति व्यक्ति नहीं है जो जल को यह दे दे यहाँ पर, मतलब जल जो आग लग रहा है उस पर जल फेंक दे। चतुर्थ व्यक्ति बोलता आए बचा ले, और बहुत आप लोग बोल रहे हो कति बचानन काहे बक रहे हो। भक्तम सुकृतम मतलब तीसरा कहता है कि चुपचाप रहो, भक्तम सुकृतम
भक्तम सुकृतम तुष्णम कथम ना तिष्ठति, चुपचाप नहीं बैठा जाता है, रहा जाता है। बोल रहे हैं कि चुपचाप नहीं रहा जाता है। चौथा बोलता है, देखिए पहला बोलता है हल्ला क्यों हो रहा है, दूसरा बोलता है आग लग गया, तीसरा कहता है कि कोई दानी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी दे दे, चौथा कहता है चुपचाप बैठो, तुष्णम कथम ना तिष्ठति। तस्पम तेषम परस्परम सुतम बैनम च प्रस्तम पश्यंती दिष्टम नियोग्य पुरुषम देहम चतुर्वालस केशव केशव केशम घेरत्वाम गिराधे वेश कते प्रश्न। तो कहा गया कि ये जब सुन रहे थे तीन लोग, देखे कि ये चार ही व्यक्ति है जो मुख्य रूप से आलस था, आलसी व्यक्ति था, बाकी जो व्यक्ति था वह धूर्त था। ये चार व्यक्ति ही आलस व्यक्ति था, बाकी जो धूर्त व्यक्ति था, तो ये चार व्यक्ति को आलस व्यक्ति को मान लिए। लोग आए घर में, पानी छिटे, पानी दिए, पानी से आग बुझाए, इन चारों को निकाला गया। तो एक श्लोक कहा जाता है, पति रेवे गति स्तिनम बालनम ना जाननी गति नालसम गति कसले कम कर्णिकम बिना। कह रहा है कि इस तरह से कह रहे हैं, पति रेव गति मतलब स्त्रियों का रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकते हैं। कहा गया है कि स्त्रियों का रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। जितना किसी भी पत्नी का रक्षा जो पति कर सकता है, उसके सिवा कोई उसको रक्षा नहीं कर सकता, नहीं होता है। बालनम जाननी गति, एक बालक का रक्षा उसकी माँ करती है, और माँ जैसा कोई भी रक्षा बालक को नहीं कर सकता है। तो पति स्त्री का रक्षा एक पति करता है, बालक का रक्षा एक माँ करती है। लेकिन नालसम गति कसल, एक आलसी व्यक्तियों का रक्षा एक दयावान पुरुष ही कर सकता है। जो दयावान हो, कर्णक हो, वही सिर्फ रक्षा कर सकता है, इसके अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता। देखिए इस बिहार बोर्ड में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बैंक में, उसका भी वीडियो बनाए हैं। और कैसे पूछा जाता है, इस तरह से पूछेगा कि बृहस्पर, ये बृहस्पर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे। बृहस्पर नाम मंत्री केवल स्वार्योष भोजनम, तो आलस को स्वार्योष भोजन कराते थे। धूर्त किम डिस्टर्म, तो धूर्त लोग वहाँ चले गए थे। चतवार आलस, तो चार आलस थे। इस तरह से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बृहस्पर कौन थे, आलस का था ये क्या था, तो व्यंग्यात्मक था, ये आप पढ़े थे यहाँ पर, हम बताएं, ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो क्या इस तरह का था, तो व्यंग्यात्मक कथा था, ठीक है। बृहस्पर मिथिला के मंत्री थे, इस तरह से। और ग्रामर जब हम शुरू करेंगे तो प्रत्यय हम लोग पढ़ाएंगे, जैसे आलस जुड़ते हैं तो आलस्यम या श्याम लगता है, जैसे कर्नल जोड़ तो करुणश्यम, श्याम बस जोड़ दीजिएगा हो जाएगा, जैसे कर्नल तो कर्णश्यम, इस तरह से कर्णश्यम, बहुलश्यम, इसे हम लोग कहते हैं बहुलश्यम, इसे प्रत्यय बोलते हैं, प्रधानश्यम। तो ये सब आपको जब पढ़ाएंगे तो उस तरह से, ये भी ये 8 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, तो ये आपका हो जाता है उपसर्ग प्रत्यय, 8 नंबर का आ जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछता है। अब हम लोग थोड़ा उल्टा कर दिए हैं, तो शब्दार्थ आप देखें जरा, डायरेक्ट शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग इसका। तो शब्दार्थ पहले था, नहीं बताए, कहानी सुना चुके, अब शब्दार्थ देखिए। मिथिलाए मन मिथिला में, स्वभाव मन स्वभाववश, कर्णुका मन दयावान, दुर्गत्व मन संकटग्रस्तों का, अनाथ व्यव अनाथों का, प्रति मन प्रतिदिन भोजन, इच्छना भोजन मन इच्छा भर जितना खा सके, देवपति मन देता है, निर्गत मन दुख में रहने का, मता मन सिद्धांत, किंचित मन सिद्धांत, कर्तु मन करने के लिए, क्षमियत मन प्रयास, जठेर मन उद्धार से संबंध, बहना मन अग्निभूख, स्थिति मन दशा, सौकर्य मूला सबका। सर्वेशा मने सबका, सा जातना मने अपनी जाति का, के मने कौन, ना मने नहीं, पश्चात मने बाद में, आलसना मने आलसियों का, दृष्टवा मने देखकर, अभी बताए थे देखकर, धूर्त मने ठग, कृत्रिम आलस मने बनावटी बनकर, दर्शयते मने आलस, भोज्य मने भोजन, गृहंते मने ग्रहण करता है, तदांतरा मने इसके बाद, प्रविधि मग्न मने फैले हुई, ईषात मने थोड़ा, प्रवीणित मैंने ढकता है, तुषीम मैंने चुपचाप, जो चौथे व्यक्ति बोलता है, तुष्णाम बैठते तिषठते तिष्ठ मतलब चुपचाप, आकृष्ट मैंने खींच कर, गृह मैंने घर से बाहर किया,
वो चारे आलस लोगों को। ठीक है, शला शलायम मने घर में, नियोग पुरुष मने श्याम पुरुष द्वारा, आचक मन बुद्धि से हीन, कपेट मन धूर्त से, दुर्गत मन संकटग्रस्त को गरीबों को, प्रत्याम मन प्रतिदिन, ये रिपीट हो गया। प्रमिष्ट मन सलाह दिया गया, परमाद मन आलस, कुलहाला मन शोरगुल, जलेद्र मन जल से भींगा हुआ, कटे मन चटाई, परमेश्वर मन विचार करके, प्रसिप्त मन सोया हुआ, बही मन आग, दंपति मन जांच करता है, तत् मन जप। देखिए इससे आपको श्लोक का क्लियर हो जाएगा। गृह लग्न मैंने घर में लगी आग, प्रविधा मैंने फैले हुए, ईसत मैंने थोड़ा, अल्पियत ने बातचीत करते हैं, वस्त्र भी तमने वस्त्र से ढका हुआ, पति रे मैंने पति ही, स्त्री मैंने स्त्रियों का, गति मैंने रक्षक, बालन मैंने बच्चे का, प्रवीण नीति मैंने ढकता है, तुष्ण मैंने चुपचाप, आकृष्ण मैंने खींच कर, जननी मैंने माँ, आलस मैंने आलसियों का, कन्या को मैंने दयावान और दयालु। ये देखिए पहला श्लोक अभी बताए थे, निर्गतम चा सर्वेशम प्रथम मतः किंचित धर्मते करते हो जठनों पर बहने। तो देखिए साले आलसी और संकट का मुख्य सिद्धांत, भूखे रहना अच्छा है लेकिन किसी तरह का कोई प्रयास करना नहीं। आलसी लोग भूखे रहना तो पसंद करते हैं लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक देखिए, स्थिति सौर के मिले सर्वेशम आपी संहितम साजयतम सुखम दृष्टम के न थे मंत्री संतम। सारे सुखों का मूल संगठन है, कौन ऐसा जीव जो अपनी जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता, कौन नहीं दौड़ता, सब दौड़ना चाहता है। ये हो गया दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक देखिए, यहाँ पे थोड़ा पहले लिखा गया था, ये आपका तीसरा श्लोक हो गया। पति रेवे गति स्त्रीनम बालम जन्य गति नालसम गति कांसलियों के कर्णुकम बिना। स्त्रियों का रक्षा पति होता है, बच्चे की रक्षा माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षा दयावान पुरुष के अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, से मोटिवेट मिलता है। कमेंट में पॉजिटिव अच्छा लगे तो कमेंट करें, और वीडियो को शेयर दोस्तों में करें, उन लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों का संस्कृत क्लियर हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का इसी से आएगा, जिसमें 30 आपको ऑब्जेक्टिव इससे आएगा इस साल। ठीक है, धन्यवाद।